Welcome to Grace and Glam. Today I have created this look for Valentine's Day and it has been one of the requested videos. So it's requested by very, very pretty girls out there. So I have finally created this look for Valentine's Day and I hope you like the look and you like the video. If you do, please do not forget to like, share and subscribe to my channel. So for all the pretty girls, I dedicate this video to you. And I hope you would certainly like it. Thank you very much. Stay happy and stay lovely. तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरे क्लीन फेस है मेरा और अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे लिप बाम लगा रही हूँ क्योंकि मेरे लिप्स जो है काफ़ी चैप्ड हो रहे हैं. उसके बाद मैं है ना यहाँ पे एक रोज स्प्रे मिस्ट से अपना फेस पे स्प्रे करती हूँ ताकि जो मेरा फेस है थोड़ा मॉइस्ट हो जाए और थोड़ा सा फ्रेश फील हो. और उसके बाद मैं अपने आप फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ ताकि फेस थोड़ा मॉइस्ट हो जाए और अच्छी तरह से मेकअप ग्लाइड हो. So I'm applying moisturizer because it's winter time and face is little dry now. Moisturizer के बाद अभी मैं अपना skin prep करूँगी. तो सबसे पहले मैं use करूँगी यहाँ पे एक primer ताकि जो makeup है वो ज़्यादा देर तक last करे और skin जो है काफ़ी even हो जाए, smooth out हो जाए. उसके बाद now let's proceed to makeup. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ. सो आई एम नॉट अ फाउंडेशन पर्सन और अ कंसीलर पर्सन. सो मैं यहाँ पे बीबी क्रीम इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपका एक नेचुरल लुक रहे, बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए. आप चाहे तो फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ. सो इसमें ऑलरेडी सनस्क्रीन है एंड इट मेक्स योर स्किन मॉइस्चराइज्ड ऑल डे. इसको अपने कान पे, गले में, हर हर जगह पे अच्छी तरह से लगा लीजिए बीबी क्रीम को. उसके बाद हम आई मेकअप की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहले मैं एक पिंक टोन लूँगी, एक पिंक शेड एंड उसके बाद अपने जो आई लिड है वहाँ पे मैं इसको पेंट करूँगी, अप्लाई कर लूँगी अपने दोनों आँखों में. मैंने पिंक शेड इसलिए लिया है क्योंकि जो मेरा ड्रेस है वो पिंक है तो शायद तो उसके लिए मैच हो जाए, इसीलिए आई एम यूजिंग अ पिंक कलर. अब पिंक कलर से भरने के बाद अभी जो नेक्स्ट करूँगी मैं वो मैं लूँगी एक एमरल्ड ग्रीन कलर और उसको मैं अपने आउटर कॉर्नर्स में भरूँगी. आउटर कॉर्नर्स में उसको इस तरह से ब्लेंड करूँगी ताकि एक अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट रहे. देख सकते हैं यहाँ पे और उसी कलर्स को लेकर मैं थोड़ा अपना जो लोअर लैश लाइन है वहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ आउट कर लूँगी. जैसे कि आपने देखा है मेरे इस लुक में मैंने काजल नहीं पहना है तो यहाँ पे मैंने आई शेडो से अब सारा इफेक्ट दिया है. अभी मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से इन दो कलर्स को ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये थोड़े अच्छे दिखे, सीमलेस दिखे, प्रॉपर ब्लेंडेड दिखे. देख रहे हैं मेरा पिंक और ग्रीन कलर्स जो है अच्छे से ब्लेंड हो गया है मेरे आईलिड्स पे. अगर आपका कुछ फॉल आउट होता है तो वो आप निकाल सकते हैं टिश्यू से. उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्केच आईलाइनर से ऊपर लैश लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी, जस्ट एक लाइन. उसके बाद मैं अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइटर से हाईलाइट करूँगी और अपने ब्रो बोन को भी. ब्रो बोन को हाईलाइट करने के बाद अभी मैं आगे बढ़ती हूँ मस्कारा की तरफ. यहाँ पे मैं मस्कारा लगा रही हूँ. एंड आफ्टर मस्कारा आई एम स्टाइल फॉर माई आईब्रोज. सबसे पहले यहाँ पे आईब्रो पेंसिल से स्कूल से ऐसा कोम आउट कर लूँगी और उसके बाद मैं पेंसिल से डार्क ग्रे पेंसिल लेंगे उससे आईब्रोज बनाऊंगी. एंड नाउ माय आई मेकअप इज डन.
Now let's proceed to the face makeup. उसके लिए मैं soft contour कर ली है अपना face, because it's soft contour on my hollows of my cheeks, on my jawline, and also on my nose. उसके बाद बारी आती है blush की. सो ब्लश आपको एक यूथफुल ग्लो देता है. ब्लश बहुत ज़रूरी है. तो अगर आप एक इवनिंग प्लान कर रहे हैं या डे आउट प्लान कर रहे हैं तो जो भी है, सो ब्लश थोड़ा सा ज़रूरी है. उसके बाद मैं अपना मेकअप सेटिंग्स पर लेकर एक फैन ब्रश की मदद से हाइलाइटर लगा लूँगी. हाइलाइटर ऑन माई यू नो हाई चीक पॉइंट्स. Points of my face, high cheekbones, brow ke upar, nose bridge pe, cupid's bow, chin pe. Highlighter maine kafi subtle rakha hai kyunki ek natural glow chahiye. Uske baad main ek lipstick se apna makeup khatam kar dungi. So I'm wearing a pink matte lipstick. Isko aur matte banane ke liye main ek tissue ki help se को और सुपर मैट बना देती हूँ ताकि ये और ज़्यादा सुपर मैट रहे और लॉन्ग लास्ट. तो अभी आप देख सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माय मेकअप विद